राष्ट्रीय त्योहारों और अन्य महत्वपूर्ण सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अवसर पर नागरिकों और छात्रों द्वारा प्लास्टिक व कागज के राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग किया जाता है। कार्यक्रम के बाद इन राष्ट्रीय झंडों को मैदान और सड़कों पर रख दिया जाता है। यह राष्ट्रीय ध्वज का अपमान है। इससे बचने के लिए जिलाधिकारी चिन्मय गोतमारे ने अपील की है कि कागज और प्लास्टिक के राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग नहीं करें। 1 जनवरी 2015 के सरकारी निर्णय के अनुसार उत्पादन, वितरण और विक्रेताओं के संबंधित विभाग को प्लास्टिक और कागज के राष्ट्रीय ध्वज के उत्पादन को रोकने के लिए कार्रवाई करे। साथ ही कार्यक्रम खत्म होने के बाद जगह जगह पड़े राष्ट्रीय ध्वज को इकट्ठा कर उसका निस्तारण करने का निर्देश भी कोर्ट ने दिया है। क्षतिग्रस्त राष्ट्रीय झंडों को एक बैग या कपड़े में बांधे और सूर्योदय से पहले जिलाधिकारी या तहसील कार्यालय के किसी वरिष्ठ अधिकारी की देखरेख में किसी साफ जगह पर निपटान करे। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हाँ, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।